Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing inverse trigonometric function, and we have already discussed four lectures on this topic. Today we are going to discuss fifth lecture on this topic, and today we are going to discuss about the miscellaneous examples, exercise, questions and answers. So what is that? Miscellaneous exercise पे हम बात कर रहे हैं, इसको solve करते हैं. इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है. तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि पहले आपने किया है. कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6, ये 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो इसको 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा जा सकता है ना. अब इसमें कॉस 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 0 2 पाई 4 पाई यहां पे होता है. 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज क्या होता है? पॉजिटिव. तो इसलिए हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6. अब नाउ कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो आंसर विल बी पाई बाय 6. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7 पाई बाय 6. अब यहां पे भी ऐसे ही चीज है कि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन पाई प्लस पाई बाई 6. पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है जी? पाई प्लस थीटा, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2 है. पाई प्लस थीटा लाइज इन दिस क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 6. ठीक है, और tan इनवर्स अब ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के रेंज में आ रहा है, इसलिए आंसर हो गया पाई बाय 6 आंसर, है ना. अगला क्वेश्चन है थर्ड, इसको देखते हैं क्या है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ये लिखना है, यानी 2 sin इनवर्स को tan में कन्वर्ट करना है. तो पहले हम sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. sin इनवर्स 3/5 को अगर थीटा लिख लिया जाए तो sin थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? 3/5, यानी p by h. तो ऑब्वियसली b जो होगा वो आपको पता ही है कि ये p अगर 3 है h 5 है तो b क्या हो जाएगा? 4, यूजिंग पाइथागोरस ट्रायंगल, है ना. अब tan थीटा अगर लिखना है तो ये हो जाएगा tan थीटा p by b यानी 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ये हो गया. और थीटा क्या है? sin इनवर्स 3/5, तो sin इनवर्स 3/5 का मतलब हो गया कि आप लिख सकते हैं sin इनवर्स 3/5 के बदले tan इनवर्स 3/4, ये लिखा जा सकता है. तो यहाँ पे हो गया 2 tan इनवर्स 3/4. अब 2 tan इनवर्स 6 का फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2 tan इनवर्स 6 का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है. तो यही फॉर्मूला लगा देंगे इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x यानी 3/4 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये होता है. तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया 2 tan इनवर्स x का, तो ये आ गया tan इनवर्स 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ऊपर हो गया 3/2, तो ऊपर हो गया 3/2 tan इनवर्स 2, ये कैंसिल हो गया 2 से, तो ऊपर हो गया 3/2, 1 माइनस 9/16, तो नीचे हो जाएगा 16 माइनस 9, दैट इज 7/16. सो दैट विल कम अप tan इनवर्स 3/2 इनटू 16/7, राइट ना. तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/16, 7/16, 16/7, सो ये हो गया 8 से कैंसिल, 8 3 जा 24, सो ये हो गया tan इनवर्स 24/7, ये हो गया प्रूफ.
ठीक है, होप दैट, होप करना था, इसलिए हम लिखेंगे QED, चाहे प्रूफ जो भी ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, दोनों ही साइन इनवर्स में है तो हम इसे टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए वो टैन इनवर्स में चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पी बाई एच है तो बी इसमें क्या आ जाएगा, 15। तो आप जैसा पहले किए हैं वैसे ही लिख सकते हैं, टैन इनवर्स 15/17 ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3/5 होगा तो इसका बी 4 आएगा, तो टेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। ये हो गया LHS, आपको समझ में तो आ गया है ना। साइन इनवर्स 8/17 को अगर ए लिख दिया जाए तो साइन ए 8/17 हो गया, यानी पी बाई एच हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम बी हो जाएगा 15 और टेन ए हो जाएगा कितना, टेन ए आ जाएगा पी बाई बी यानी 8/15, इसलिए ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 15/17, 8/15 सॉरी, तो 8/15 यहाँ आ जाएगा है ना, 8/15, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इसी तरह से आएगा 3/4, 3/4 क्या जल्दी जल्दी में लिख दिया था, सॉरी 3/4। अब tan इनवर्स 6 प्लस tan इनवर्स y यहाँ पे है b/b 8/15 ये लिखा है ना, ये लिखा। अब tan इनवर्स 6 प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दे, ये देखिए ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जो है एक से कम है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन इनवर्स 8 4 जा 32 एंड 15 3 जा 45, 45 + 30 इज इक्वल टू 75 + 2 77 ऊपर आ जाएगा, ये 15 4 जा 60 होगा, नीचे भी 60 होगा, 60 - 24 is 40 and -4 is 36, सो ये आ जाएगा, नीचे भी 40 ऊपर भी 40 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये RHS प्रूव हो गया यहाँ पे भी है ना, जो हमें प्रूव करना था RHS वो हो गया, तो अब अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, ये दोनों ही कॉस इनवर्स में है और कॉस इनवर्स में आउटपुट भी चाहिए, तो आपने फॉर्मूला सीखा है कॉस इनवर्स 6 प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या फॉर्मूला सीखा है, एक्स वाई प्लस वाले में माइनस होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जा सकता है, यानी कॉस इनवर्स 4/5 × 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं फिर कॉस इनवर्स, ये हो गया 12 4 जा 48 अपॉन 13 5 जा 65 माइनस ये 1 - 16/25 9/25 ये बाहर आके 3/5 होगा, ये 169 - 144 25/69 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 13 सो 5/13 होगा, ये भी 65 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 48 - 15 अपॉन 65, यहाँ भी है यहाँ भी एलसीएम है 65, सो व्हाट विल हैपन, कॉस इनवर्स 48 - 15 is 33 / 65, यही है आरएचएस।
यही प्रूव करना था। तो आई होप ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक अदद फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है ना। सो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी साइन इनवर्स में आउटपुट चाहिए, एक तो साइन इनवर्स में है, इसको साइन इनवर्स में बदलना होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x² होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। नहीं फॉर्मूला पता है तो आप इसको पुट कर लीजिए और पुट करके आगे इसको डिराइव कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - 12/13 का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हो गया LHS, है ना, दिस इज व्हाट LHS। अब यहाँ पे ये मिल गया साइन इनवर्स 1 - 144/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये हो गया साइन इनवर्स 169 - 144, 25/169, 25 का 5 हो गया, 169 का 13 हो गया प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - y² प्लस y अंडर रूट 1 - x², है ना। तो ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं। तो क्या होगा, अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x यानी 5/13 अंडर 1 - 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 अंडर रूट 1 - 5/13 का होल स्क्वायर। ये करने से मिलेगा साइन इनवर्स यहाँ पे 5/13 और ये 1 - 9/25 16/25 दैट इज 4/5, है ना, प्लस 3/5 इंटू यहाँ 169 - 25 दैट इज 144 by 169 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 144 का 12 और 169 का 13। तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना 5 4 = 20 20/65 प्लस 12 3 = 36/65 दैट इज साइन इनवर्स 56/65, ठीक है, ये हो गया RHS, यही प्रूव करना था, ठीक है ना, यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपने देखा है ना, देखिए 56/65 प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो यही निकल के आएगा कि ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है और रिजल्ट चाहिए टैन इनवर्स। तो हम लिख देते हैं यहाँ RHS से शुरुआत करते हैं, क्या है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, दोनों को टैन में बदल देते हैं क्योंकि आउटपुट हमें टैन में चाहिए। जैसे पहले किया था कि एक ट्रेंगल बना करके हमने साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे भी हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो 5/12 और ये हो जाएगा 3/5 का दूसरा क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, ये भी टैन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 होता है, b 4 आएगा तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 4/3, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला लगा देंगे तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, ये हो जाएगा टैन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 - 5/12 इंटू 4/3, है ना, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ रहे हैं ना कैसे हमने कन्वर्ट किया है, एक बार कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स 5/13 को हमने मान लिया थीटा, ठीक है,
तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, दैट इज P/H। तो B इज इक्वल टू हो जाता है H²-P² पैथागोरस के थ्योरम के हिसाब से, दैट इज 13² - 5² 169-25, दैट इज √144, और 144 कितना होता है 12। सो टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, दैट इज P तो पहले ही से हमारा कितना था 5 और B है 12, एंड देयर फोर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कितना 5/12, और थीटा है क्या साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12। ऐसे ही कॉस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अब इतना पढ़ चुके हैं कि ओरली इसको लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। कॉस इनवर्स 3/5 को भी हम लिख सकते हैं, ऐसे ही आप चाहें तो लिख दीजिए कॉस इनवर्स 3/5 को, मान लीजिए थीटा का फाई लिख दिया, तो कॉस फाई इज इक्वल टू हो गया कितना, तो 3/5, दैट इज B/H। अब P निकालना है तो P इज इक्वल टू H²-B², दैट इज 5² - 3² विच इज इक्वल टू 4। तो आपको फिर टेन थीटा इज इक्वल टू B/B, दैट इज 4/3, एंड देयर फोर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। सबको पता होगा, जो लर्नर्स हैं उनके लिए मैं ये लिख रहा हूं बार बार ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना रहे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको टैन इनवर्स कितना, तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 + 48, 15 + 48 इज 63/36। यहाँ भी 36 नीचे आएगा, 36 - 20 इज 16/36, 36 36 कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। यही था हमारा LHS, है ना, दिस इज व्हाट LHS, गुड हो गया, है ना। देखिए यही था LHS, है ना, 63/60। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं अब, ये क्या है जरा देखिए। यहाँ पे tan इनवर्स x के चार कॉम्बिनेशन है, तो हम दो को दो दो को लगा सकते हैं, कोई भी दो लगा सकते हैं, ऐसा कोई इसमें रिश्तेदारी नहीं है कि किसको किसके साथ लगाएं और किसको किसके साथ लगाएं, बट आप किसी दो को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया tan इनवर्स 1/5 + 1/7 / 1/5, 1 - 1/5 × 1/7, थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। लिख देते हैं 1 - 1/5 × 1/7 प्लस, इन दोनों में लगाए तो ये भी होगा टेन इनवर्स 1/3 + 1/8 / 1 - 1/3 × 1/8, ये भी होगा इज इक्वल टू π/4, ये प्रूफ करना है। तो हम लिख देते हैं टेन इनवर्स, ये हो गया 7 + 5 = 12 / 35, यहाँ 35 - 1 = 34 हो गया / 35, 35 35 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हो गया 8 + 3 = 11, टेन इनवर्स 11 ऊपर आएगा, नीचे 24 आएगा, यहाँ भी 24 - 1 = 23 आएगा, / 24, तो भी कैंसिल हो जाएगा। दिस कैन बी फर्दर रिटेन एज टैन इनवर्स 6/17, 2 से कैंसिल कर दिया, प्लस टैन इनवर्स 11/23। अब फिर फॉर्मूला लगा दिया तो ये हो गया टैन इनवर्स 6/17 + 11/23 / 1 - 6/17 × 11/23। अभी क्या हो गया जरा देखिए, ये हो गया टैन इनवर्स 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 1 = 13, राइट ना, एंड 17 × 11 = 187, डिवाइडेड बाय 23 × 17 इज एलसीएम, देयर हियर आल्सो 23 × 17 इज एलसीएम, एंड सो वो कट जाएगा बाद में, और ये 23 × 17 कितना होगा 17 × 3 = 51,
5 17 2 जा 34 एंड 5 39 माइनस 66 ये बच गया डिवाइडेड बाय 23 इनटू 17 जो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 391 minus 66. That will be tan inverse 8 plus 7 is 15. Carry 1, 8, 3, 11, 1, 12, 2, carry 1, 1, 1, 2, 1, 3. And this is 11 minus 6 is 5. Now let us see question number 9. Or 9 kya hai? Ye dekhiye. इसमें अगर x को tan थीटा पुट कर लें तो क्या हो जाएगा 1 minus tan थीटा upon 1 plus tan थीटा या ये कह दें कि tan इनवर्स रूट x को थीटा पुट कर लेते पुट कर लिया tan इनवर्स रूट x को थीटा तो रूट x इज इक्वल टू हो गया tan थीटा यानी x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा नाउ RHS is, what is RHS? We may come from RHS. RHS is 1 by 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. That further can be written as 1 by 2 cos inverse x ke badle tan square theta 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. और ये फॉर्मूला होता है 1 by 2 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta cos 2 theta का फॉर्मूला होता है तो ये कैंसिल होकर के मिल जाएगा 2 theta 2 से 2 कैंसिल हो गए theta और theta है क्या tan inverse root x इसलिए ये हो गया LHS ये हो गया root ठीक है next question है question number 10 इस क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए 1 plus sin x को क्या लिख सकते हैं तो 1 plus sin x को जरा ध्यान से देखिए 1 plus sin x को हम लिख सकते हैं 1 plus 2 sin x by 2 cos x by 2 है ना लिख सकते हैं क्योंकि sin 2a होता है sin 2a is equal to 2 sin a cos a होता है यानी यहां एंगल 2a है तो यहां a और यहां a होता है ना तो ये 2a है तो यहां a और a होता है अगर यहां पे a होता तो यहां a by 2 होता तो इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हमें करना है याद रहे ये प्रॉपर्टीज का हमें इस्तेमाल करना है अब 1 के बदले क्या लिख सकते हैं इस तरह से ये 2a भी हो गया तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x by 2 plus sin स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2 है ना इस 1 के बदले हमने ये लिख दिया अब ये हो गया a square plus b square plus 2ab that can be written as a plus b का whole square यानी cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square है ना अब whole square होने से ये root के बाहर आके हो जाएगा cos x by 2 plus sin x by इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिखें 1 plus अगर ऐसा है 1 plus sin x तो इसको ये लिख सकते हैं minus sin x होता तो यहां पर minus आता तो ये a square plus b square minus 2ab हो जाता तो इसको हम लिख देते cos x by 2 minus sin x by 2 ठीक है अब चूंकि x 0 से pi by 4 के बीच में है तो x by 2 जो होगा वो 0 से पाई बाई 8 के बीच में होगा x by 2 तो इसका अर्थ ये हुआ कि cos x by 2 sin x by 2 से बड़ा होगा और ये चीज पॉजिटिव आएगा अगर हम यहां sin x by 2 minus cos x by 2 लिख लें तो ये अंदर की वैल्यू नेगेटिव आएगी जो इमेजिनरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है इसलिए हम ऐसा नहीं लिखेंगे cos x by 2 minus sin x by 2 ही लिखेंगे कुछ और नहीं लिखेंगे अब द गिवन एक्सप्रेशन इज नाउ The given expression is expression will be what? Cot inverse. अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं तो ये हो गया cos x by 2 plus sin x by 2 ठीक है plus cos x by 2
माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर में फिर क्या हो गया, इसी तरह से ये वैल्यू रख दिया तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहां माइनस साइन के साथ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ये आ जाएगा। यहां से देख रहे हैं साइन से साइन कट जाएगा, यहां भी कॉस से ही कॉस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दैट एक्सप्रेशन विल कम अप लाइक कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू टू कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टू, और यहाँ टू से टू भी कैंसिल हो गया। अब ये हो गया cot इनवर्स cos x by 2 plus sin divided by sin x by 2 is cot x by 2, cot इनवर्स cot theta is equal to theta, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल पे रूप में है, जो डोमेन दिया है उसके अंदर ये लाई कर रहा है, ये है RHS। इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, रेशनलाइज करके भी किया जा सकता है, बट दिस इज मोर लॉजिकल। अब क्वेश्चन नंबर 11 उसी तरह का है। यहाँ पे हम x को लिख देते हैं 1 बाई टू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, या x को कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं, हिंट भी लिखा हुआ है आप, या यहां से समझ लीजिए 1 बाई टू कॉस इनवर्स x को हमने पुट कर लिया थीटा पुट, तो कॉस इनवर्स x क्या हो गया 2 थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया cos 2 थीटा, यहां से पता चल गया कि x cos 2 थीटा पुट करेंगे। फिर क्या हुआ, अब ऐसा करने से ध्यान से देखें ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, हम लिखेंगे यहां पे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है टैन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट के बाहर आके 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट में ही रूट टू तो रूट में ही रह गया, बट साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर साइन थीटा हो गया। इसी तरह से यहाँ पे रूट टू कॉस थीटा और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस रूट टू साइन थीटा हो जाएगा। अब रूट टू कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, ध्यान रहे 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि रूट टू कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, या यूं कहूं कि रूट टू कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टैन थीटा, डिवाइड हमने कर दिया डिवाइड बाई रूट 2 cos थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स tan pi by 4 minus tan theta upon 1 plus tan pi by 4 in tan theta, बोलिए। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b tan a minus b, लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा हमने सपोज ही किया था 1 बाई 2 cos इनवर्स x को, इसलिए हो गया ये RHS, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, आइए 12th क्वेश्चन पे बात करते हैं, और 12th क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। 12th क्वेश्चन यहां पर ये साइन इनवर्स 1 बाई 3, ये देखिए 9 LHS से शुरुआत करते हैं, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 लिखा है, अगर इसमें से 9 बाई 4 कॉमन ले लिया जाए
तो यहां मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/3, दैट इज 9/4 कॉमन ही है। पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। अब इस कॉस इनवर्स 1/3 को हमें चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो ये हो गया कॉस 3 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये हो गया क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है ना, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये हो गया कॉस इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/9 इज 8/9 अंडर रूट। ठीक है, सो दिस इज 9/4 साइन इनवर्स 8 को 2√2 लिख सकते हैं और 9 को 3 लिख सकते हैं, यही है RHS, यही प्रूव करना था। हो गया, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है, इसको देखते हैं। 13, 14 क्या है लिखा है, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व का मतलब निकालना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 पे गौर फरमाते हैं। 2 tan इनवर्स x लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दें, tan इनवर्स 2x, x के जगह पर ये है, अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये फॉर्मूला लग गया। और RHS में है tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, सो इनफैक्ट इन दोनों को इस्तेमाल करने के बाद क्या मिलेगा, दोनों तरफ से tan इनवर्स हम चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos x, 1 minus cos square x is sin square x, तो sin square x, और इधर हो गया 2 cos x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये मिल गया एक cos by sin, क्या हो गया cot x, और एक sin को cos के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 1, cot x is equal to 1, इसका मतलब x हो गया pi by 4, आंसर हो गया। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन के लिए अब देखते हैं कि ये लिखा है tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x is equal to 1 by 2 tan इनवर्स x, ये लिखा है। अब जरा ध्यान से देखें, यहां भी इस 2 को इधर ले जाएं तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x, है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इधर रह गया tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का आप फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x यानी 1 minus x upon 1 plus x upon 1 minus x square, 1 plus x का होल स्क्वायर, ये हो गया पूरा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब दोनों तरफ से अगेन हम tan इनवर्स x को हटा दें तो ये मिल जाएगा 2 1 minus x upon 1 plus x, और नीचे मिल जाएगा 1 plus x का होल स्क्वायर माइनस 1 minus x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 plus x का होल स्क्वायर, जो यहां पे आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा इज इक्वल टू x, दैट फर्दर कैन बी रिटन एज 2 into 1 minus x, यहां पे 1 plus x स्क्वायर से ये एक 1 plus x कट जाएगा और ये 1 plus x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बच गया, नीचे हो गया 1 plus x का होल स्क्वायर a plus b होल स्क्वायर माइनस a minus b होल स्क्वायर, बचता है 4ab, यानी यहां पे हो जाएगा 1 plus x स्क्वायर plus 2x, यहां से मिलेगा 1 plus x स्क्वायर minus 2x, है ना, तो ये 1 plus x स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x होने से 4x बच जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं आप that further can be written as 2 into 1 minus x square a plus b a minus b, और ये जो 2x plus 2x 4x बचेगा, इधर x में जाकर के मल्टीप्लाई होके 4x square हो जाएगा, 2 से ये कट गया 2 times, अब ये मिल गया 2x square plus x square, ये minus x square इधर आके plus x square, और दूसरी तरफ 1 रह गया, इसका मतलब ये हुआ कि 3x square
इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर इज 1/3, दिस इंप्लॉय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन आपको जब दो वैल्यू मिले, जब भी दो वैल्यू मिले तो आप देखेंगे क्या उसमें से दोनों के दोनों जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अगर हम -1/√3 लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव, 1 -1/√3 तो ये भी आएगा पॉजिटिव और यहाँ आ रहा है निगेटिव, तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आ रहा है जबकि राइट हैंड साइड में निगेटिव आ रहा है, इसलिए निगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को सिर्फ लेंगे। एंड सिंस एक्स इज इक्वल टू -1/√3 डू नॉट सेटिस्फाई, डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन, सो दैट इज व्हाई इट कैन नॉट, इट इज रिजेक्टेड। एंड व्हाट विल बी आंसर, एक्स इज इक्वल टू 1/√3 इज सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1/√3 लिख देते हैं, हेंस इट इज रिजेक्टेड एंड एक्स इज इक्वल टू 1/√3 ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 15 देखते हैं इसमें 15 में क्या है। इस 15 क्वेश्चन में लिखा है कि साइन टैन इनवर्स एक्स मॉड एक्स 2m से छोटा है, इसका मतलब एक्स -1 से 1 के बीच में है, तो लिख सकते हैं इसको टैन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पुट कर लीजिए टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया टैन थीटा और ये हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एक्स, मतलब एक्स बाई 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया ये एक्स बाई 1 दैट इज पी बाई बी, इसका मतलब पी हो गया एक्स, बी हो गया 1, तो h हो जाएगा √1 + x² और आप साइन इनवर्स क्या लिखना चाहते हैं, साइन ऑफ टैन इनवर्स x, ये है साइन ऑफ टैन इनवर्स x, है ना, मतलब साइन थीटा, क्योंकि टैन इनवर्स x को थीटा लिखेंगे और साइन थीटा होता है p बाई h यानी 1/1 + x², सो इसलिए आंसर हो गया d, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये क्वेश्चन एक है इसको भी देख लेते हैं, ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1 - x -2 sin inverse x इज इक्वल टू π/2, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 sin inverse x इज इक्वल टू, इसको आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, जैसे ये जीरो रख के वैल्यू देखा तो 1 - 0 = 1 sin inverse 1 = π/2 और यहाँ जीरो रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 = 0 तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और यहाँ जीरो रखने से ये साइन इनवर्स 1 होगा जो π/2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तो आंसर जीरो होगा, क्या 1/2 भी सेटिस्फाई कर रहा है देख लेते हैं, 1/2 अगर यहाँ पे रखें तो ये साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का मतलब π/6, 2 - 2 × π/6 π/3, π/6 -π/3 निगेटिव आएगा, इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ जीरो ही इसका सॉल्यूशन होगा। आप चाहें तो इसको 2 sin inverse x को sin inverse 2x √1 - x² वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा दें साइन इनवर्स 2x √1 - x² वाला फॉर्मूला लगा दे और फिर साइन इनवर्स c x - sin inverse y वाला फॉर्मूला लगा दे, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। बट इंटेलिजेंट लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अगला एक क्वेश्चन है
देखिए ये भी है, एक लास्ट क्वेश्चन है, टैन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको इज इक्वल टू क्या लिखे। तो देखिए इसमें आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टैन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टैन इनवर्स, यहाँ पे वन माइनस एक्स बाई वाई, यहाँ भी लिख सकते हैं हम, वाई से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई माइनस वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स बाई वाई, ये हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लिखते हैं, हमने y से डिवाइड कर दिया है तो ये होगा एक्स बाई वाई प्लस वन, ठीक है, ये पूरा चीज ऐसे हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टैन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टैन पाई बाई फोर अपॉन वन प्लस एक्स बाई वाई इंटू टैन पाई बाई फोर, टैन पाई बाई फोर वन होता है इसलिए ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दैट फर्दर कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स एक्स बाई वाई, ये टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई है तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, तो टैन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टैन इनवर्स पाई बाई फोर, टैन इनवर्स टैन पाई बाई, टैन इनवर्स थीटा की जगह पे टैन पाई बाई फोर, ये है ना। तो अब ये क्या होगा, अगर ये माइनस साइन हटा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टैन इनवर्स टैन पाई बाई फोर, और टैन इनवर्स टैन पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। तो इस हिसाब से आपने देखा कि मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए और आप इसे भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, है ना। एक बार घर पे करके देखिए, फिर से अगर नहीं होता है तो एक बार दोबारा वीडियो देखें, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अवश्य पूछें। बेसिक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए पहले आप फॉर्मूलों को जरूर अच्छी तरह से समझ लें, इसके लिए पहले दोनों वीडियो जरूर देखें उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी से अलग होगा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो सीबीएसई में आया हुआ है या आने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन अगली क्लास में डिस्कस होगी। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।